अस्सलाम वालेकुम। नोवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर मेरी कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के हाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ या सिंगल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो आइए, आज हम सब नोवल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुनने के लिए जा रहे हैं उमर अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल बात उम्र भर की है। आइए शुरू करते हैं। उसका लहजा इतना तलख और आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मैं चुप की चुप रह गई थी। फिर मैंने उससे दोबारा रकम बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया। मैं मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। शुरू में वो इस बात पर भी बहुत नाराज़ हुआ, मगर फिर गुल अफशा ने पता नहीं उसे क्या समझाया था, मगर ये हुआ कि उसने मुझे इजाज़त दे दी। फिर ट्यूशन वाले बच्चों की तादाद बढ़ती ही गई, मगर मैं खुश नहीं थी। क्या आपको पता है, रिस्क हलाल कमाने के बावजूद मैं खुश क्यों नहीं थी? अगले साल मेरे हाँ बेटा पैदा हुआ था, एक बार फिर सांवली रंगत और आम शक्ल वाला बेटा, मगर इस बार मैं बहुत खुश थी। मेरे पांव जैसे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे लग रहा था अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं, अपनी पूरी कायनात उठाकर दे दी थी। मेरा ख्याल था फारूक अब तो बहुत खुश होगा, मगर आपको पता है वो खुश नहीं हुआ था। उसका रद्दी अमल वैसा ही था जैसे सुंबल और मलीहा की पैदाइश पर था। उसने हुज़ैफ़ा की पैदाइश पर मुझसे कहा था कि अब वो और बच्चे नहीं चाहता, 3 बच्चे काफ़ी हैं, मैं उसका बोझ और जिम्मेदारियां ना बढ़ाऊं। हुज़ैफ़ा की पैदाइश के चंद माह बाद गुलफ़शा के हाँ भी एक और बेटा हुआ था। मुग़ीस की तरह अय्यास की पैदाइश पर भी फारूक ने बहुत धूमधाम से अकीका किया था। इस बार उसने गुलफ़शा को सोने की 12 चूड़ियाँ बनवा कर दी थी। उसे सुंबल, मलीहा और हुज़ैफ़ा की परवाह तक नहीं थी, मगर मुग़ीस और अय्यास पर वो जान छिड़कता था। जैसे खिलौने वो उन्हें खरीद कर देता था, जैसे कपड़े वो उनके लिए लेकर आता था, वैसे कपड़े और खिलौने मेरे बच्चों के पास नहीं थे। सुंबल बड़ी हो रही थी, बाज़ दफ़ा मुग़ीस या अय्यास का कोई खिलौना देख कर मचल जाती, मगर मैं उसे कोई सस्ता खिलौना दिलवा कर बहला देती। 2 साल बाद मैंने अपना जेवर बेच कर बैंक में रकम जमा करवा दी थी और सुंबल को एक बेहतर स्कूल में दाखिल करवा दिया था। गुलफ़शा ने भी मुग़ीस को शहर की सबसे महंगी मॉन्टीसोरी में दाखिल करवा दिया था। मुझे कोई शिकवा नहीं हुआ। शिकवा करने से क्या होता है? उन्हीं दिनों फूफो की डेथ हो गई। फूफो की वफ़ात के बाद फारूक ने छत पर एक कमरा, किचन, बाथरूम और स्टोर बनवा दिया था और मुझसे कहा था कि मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि नीचे जगह कम है। 15 मरले के इस बंगले में गुलफ़शा और फारूक के लिए अगर जगह की कोई तंगी थी तो वो मेरे एक कमरे की वजह से थी। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। गुलफ़शा अब अपना खाना अलग पकाया करती थी और मैं अपना खाना अलग पकाती थी, लेकिन सफाई का सारा काम नीचे भी मैं ही करती थी और मुझे कभी इस बात पर शिकायत नहीं हुई, बल्कि मैं खुश थी कि मैं फारूक और गुलफ़शा के लिए कुछ ना कुछ तो करती ही हूँ। वक्त इसी तरह गुजरता था। मुग़ीस और अय्यास के बाद गुलफ़शा के हाँ 2 और बेटे उज़ैर और राफ़े हुए। वो खुशकिस्मत थी क्योंकि उससे शादी के बाद से फारूक को प्रमोशन मिलना शुरू हुए थे और लगातार उसकी प्रमोशन होती गई थी। सुंबल के बाद मैंने मलीहा और हुज़ैफ़ा को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया था, मगर गुलफ़शा के बच्चों और मेरे बच्चों के स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं तब भी पुरसकून थी कि कम अज़ कम मैं इस काबिल तो हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सकती हूँ। पता नहीं क्या बात थी, मेरे तीनों बच्चे ही तालीम में बहुत अच्छे थे, ख़ास तौर पर सुंबल। वो बहुत समझदार और डिसिप्लिन्ड थी और बहुत अजीब भी। इसमें अजीब बात क्या थी ये मुझे नहीं पता, बस वो मुझे बहुत अजीब लगती थी। उसमें मेरे जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, उसे अपनी शक्ल और रंगत पर कोई अफसुर्दगी नहीं थी, ना इस बात ने उसमें कोई खौफ पैदा किया था। वो बचपन से हर क्लास में फर्स्ट आती रही थी और 5वीं में भी उसने स्कॉलरशिप लिया था। पूरे साल में मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन वो होता जब मैं रिज़ल्ट सुनने बच्चों के स्कूल जाती थी। वहाँ मेरे साथ बड़ा ख़ास किस्म का बर्ताव किया जाता था क्योंकि मेरे तीनों बच्चे पोजीशन होल्डर्स होते। सिर्फ एक दिन के लिए मैं दूसरे वालदैन के लिए एक काबिले रश्क चीज़ बन जाती थी। है ना अजीब बात, उन्हें सांवले और आम शक्लो सूरत के मालिक बच्चों की वजह से और ख़ास तौर पर सुंबल की माँ होने की वजह से मैं हर साल रिज़ल्ट सुनने के बाद घर आने पर अपने बच्चों से कहती कि वो फारूक को अपने रिज़ल्ट कार्ड दिखाएं। पता नहीं मैं किस चीज़ की तस्कीन चाहती थी, हालांकि फारूक रिज़ल्ट कार्ड देखने पर किसी ख़ास खुशी का इजहार नहीं करता था।
वो बड़े आम अंदाज में कह देता था, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मलिहा और हुजैफा तो इसी बात पर बहुत खुश हो जाते मेरी तरह, मगर सुंबल पता नहीं क्यों हर दफा कहती, पापा आप देख लें, मुगीस और अय्याज ने कोई पोजीशन नहीं ली। इस बात पर जहां गुलफशा बिगड़ती वहां फारूक के माथे पर भी तैवरियां आ जाती, मेरा सांस भी अटक जाता। गुलफशा कहती, वो किसी आम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहां तो एक से एक काबिल बच्चा पढ़ता है, वहां का पास होना भी तुम्हारी पोजीशन से ज्यादा अहम है। मगर पोजीशन तो पोजीशन ही होती है, सुंबल फिर भी कहे जाती। मैं जबरदस्ती उसे वहां से ले जाती, मैं नहीं चाहती थी कि कोई झगड़ा हो। चौथी क्लास तक ऐसा ही होता रहा था, मगर पांचवी में फर्स्ट पोजीशन लेने के बाद मलिहा और हुजैफा की तरह फारूक को शाम को रिजल्ट दिखाने नहीं गई थी। जब मैंने उसे फारूक के पास जाने के लिए कहा तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा, पापा को रिजल्ट कार्ड दिखाने से क्या होगा, मेरा ग्रेड तो नहीं बढ़ जाएगा। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई थी। फिर भी तुम्हें पापा को बताना चाहिए ना, मैंने इसरार किया था। उन्हें पता चल ही जाएगा, मलिहा बता देगी, मगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उसने अक्खड़ अंदाज में कहा था। और फिर वह नहीं गई थी, बल्कि इनाम में मिली हुई किताबें निकाल कर पढ़ती रही। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा, मैं चाहती थी वो अपनी कामयाबियों के बारे में फारूक को बताए, मगर वो बताना चाहती ही नहीं थी। मिडल में उसने एक बार फिर स्कॉलरशिप लिया था, और इस अजीब तब्दीली जो उसमें आई वो ये थी कि वो मुगीस के बहुत करीब रहने लगी थी। वो मुगीस और अय्याज दोनों को होमवर्क करवाने लगी। गुलफशा इस बात पर बहुत खुश हुई थी क्योंकि सुंबल के पढ़ाने की वजह से दोनों के ग्रेड्स बेहतर होने लगे थे। फिर एक दिन वो अचानक फारूक के पास जा पहुंची थी और उसने कहा था, पापा मुझे नीचे एक कमरा चाहिए अलहदा, जहां मैं आराम से पढ़ सकूं। मैं उस वक्त सहन धो रही थी, उसके मुतालबे पर मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। फारूक भी कुछ हैरान नजर आया था। फिर उसने गुलफशा के चेहरे की तरफ देखा, जो खुद भी मुतजब्बब नजर आ रही थी। मैं वही कमरा ले लेती हूँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे, कल मैं अपनी चीजें सेट कर लूंगी, वो खुद ही सब कुछ तय कर रही थी। फारूक अभी भी चुप था। वहां तो मैंने कुछ सामान रखवाया है, कमरा तो नीचे कोई भी खाली नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर दे देती, गुलफशा अचानक बोली थी। आंटी मैं वो सामान साथ वाले कमरे में रख दूंगी, या चले वो सामान वहीं रहने देती हूँ, क्योंकि मेरा कौन सा बहुत सा सामान है जो मुझे वहां रखना है, बस किताबें ही तो हैं, ठीक है ना। सुंबल के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई थी, वो ये कहकर ज्यादा देर वहां रुकी नहीं थी बल्कि ऊपर चली गई थी। गुलफशा के तेवर बहुत बिगड़े हुए थे, मगर वो खामोश थी। फारूक का चेहरा भी बहुत संजीदा था, और मेरी समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या है, वो क्यों अलग कमरा चाहती है। अगले दिन सुबह फारूक ने मुझसे कहा कि मैं उससे कह दूं कि वो नीचे ना रहे, शायद उससे गुल अफशा ने कहा था। मैंने सुंबल तक वो पैगाम पहुंचा दिया था, वो बिल्कुल चुप रही थी, मगर शाम को फारूक के आते ही वो नीचे चली गई। मैं भी लपकती हुई उसके पीछे चली गई, वो सीधा गुल अफशा के कमरे में चली गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे में चली जाती, वहीं दहलीज के बाहर ही रुक गई। पापा क्या आपने मुझे अलग कमरा देने से इनकार किया है, वो बुलंद आवाज में फारूक से पूछ रही थी। हाँ, क्योंकि नीचे कोई कमरा खाली नहीं है, और वैसे भी तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम्हें अलग कमरा। सुंबल ने बाप की बात काट दी थी, ये हिम्मत मैं कभी नहीं कर सकती थी, मुगीस और अय्याज भी तो छोटे हैं, फिर आपने उन्हें अलग कमरा क्यों दिया है। वो लड़के हैं और तुम लड़की हो, इस किस्म की फजूल बातें दोबारा करने के लिए मेरे पास मत आना। मैंने बस एक दफा कह दिया है कि तुम ऊपर ही रहोगी, तो बस तुम ऊपर ही रहो। फारूक इस बार उसे गुस्से से डांट रहा था। ठीक है, अगर आप नीचे मुझे और मलिहा को एक कमरा भी नहीं दे सकते, तो फिर आप अम्मी से नीचे वाले हिस्से की सफाई भी ना करवाएं, फिर आप उनसे काम क्यों करवाते हैं। वो बाप से खाइफ नहीं हुई थी। चंद लम्हों के खामोशी के बाद मुझे गुल अफशा की तेज आवाज सुनाई दी थी। वो अपनी मर्जी से काम करती है, उनसे कोई कहता नहीं है, और अगर वो सफाई कर देती है तो कोई एहसान नहीं करती। तुम लोग भी आखिर इस घर में ही रहते हो, लेकिन हम लोग ऊपर रहते हैं और आप भी तो यही रहती हैं, क्या आपने कभी हमारे छत वाले हिस्से की सफाई की है, फिर अम्मी क्यों करें। ठीक है, तुम अपनी माँ से कह दो वो सफाई ना करे, और तुम अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अब तुम्हारी मजीद बकवास सुनना नहीं चाहता। फारूक इस बार बहुत जोर से बोला था, और सुंबल कमरे से बाहर आ गई थी। वो मुझे देख कर ठटकी, फिर
फिर मुस्कुराते हुए खामोशी से वहां से चली गई थी। मैं उसके पीछे गई और पहली बार मैंने उसे बुरी तरह झिड़का था, मगर वो बेहद पुरसकून थी। अगले दिन सुबह जब मैंने सफाई करना चाही तो गुलफ्शा ने मुझे रोक दिया। फिर मैंने सुंबल की तरफ से बहुत दफ़ा माजरत की, तब उसने मुझे काम करने दिया, मगर बहुत देर तक वो बड़बड़ाती रही। उसने मुगीस और अयास को भी सुंबल के पास होमवर्क करने से रोकना चाहा था, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हुई। उन दोनों ने इतनी ज़िद की थी कि वो उन्हें रोक नहीं सकी। सुंबल ने मैट्रिक में भी ना सिर्फ स्कूल में टॉप किया था बल्कि बोर्ड में भी उसकी तीसरी पोजीशन थी। यकदम ख़ानदान में से हर एक ज़ुबान पर सुंबल का नाम आ गया था। मैं सुंबल को देखती तो हैरान होती रहती। उसे किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी नहीं था, ना सांवली रंगत का, ना आम सी शक्ल का। उसमें बड़ा अजीब सा एतमाद था। ख़ानदान में से कोई भी आता, वो बड़ी रवानी से उससे बातें करती जाती, चाहे वो कोई उसका हम उम्र होता या उससे बड़ा। वो उठी हुई ठोड़ी और आंखों में आंखें डाले बड़ी संजीदगी से बात करती रहती। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि लोग उससे बात करते हुए मरूब हो जाते हैं। उसकी गुफ्तगू में इतनी ही रवानी और लहजे में ऐसा ही एतमाद था। और फिर एक अजीब बात हुई, फारूक सुंबल पर तवज्जो देने लगा था। शायद उसकी वजह वो तारीफ थी जो वो मुख्तलिफ लोगों से उसके बारे में सुनता रहता था। वजह जो भी थी, मगर वो अक्सर किसी ना किसी बहाने से सुंबल से बात करता रहता। उसके मैट्रिक के रिजल्ट के बाद मैंने ख़ानदान के लोगों को एक पार्टी दी थी। उस दिन गैर मामूली तौर पर फारूक भी बहुत खुश था। पार्टी का पूरा इंतज़ाम उसी ने किया था। मैं भी उस दिन बहुत खुश थी, मगर सुंबल बहुत संजीदा थी। फिर पार्टी के दौरान ही जब सुंबल की आइंदा तालीम का जिक्र हुआ तो फारूक बहुत पुरजोश अंदाज में कहने लगा कि वो आगे भी साइंस ही रखेगी और मेडिकल की फील्ड की तरफ जाएगी। मगर सुंबल ने एक कह कहे के साथ कहा, आप पढ़ने के लिए घर का एक कमरा दे नहीं सकते, मेडिकल के लिए लाखों रुपया कैसे देंगे। यकदम हर तरफ जैसे खामोशी छा गई थी। फारूक का चेहरा सुरख हो गया। सब लोगों की मायने खैज नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। फारूक कमरे से उठकर चला गया था। पार्टी ख़त्म होने के बाद मैंने सुंबल से पूछा कि उसने इस तरह की बात क्यों की, और वो भी सब लोगों के सामने। मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुंबल ने एफ़ए में इकोनॉमिक्स ले ली थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। सुंबल ने एफ़ए करने के बाद बीए में दाखिला लिया था, और उसके पीछे पीछे मलीहा और हुज़ैफ़ा ने भी फारूक की ख्वाहिश को रद्द करते हुए एफ़ए में इकोनॉमिक्स ही रखी थी। फारूक ने उन दिनों शहर के एक पोश इलाके में घर की तामीर शुरू करवाई थी। मकान की तामीर में एक साल का वक्त लगा था, और वो बंगला तैयार होने के बाद वो गुलफ्शा के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया था। ये हम सब के लिए एक शौक था, क्योंकि हमारा ख्याल था वो हमें भी। तुम अगर आइंदा कभी मेरे ऑफिस आई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, उसने उंगली उठाकर उसे तंबिया करते हुए कहा। मुझे जब रुपयों की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। आप वक्त पर रुपये दे दिया करें तो मैं नहीं आऊँगी, और ख़र्च के रुपये बढ़ाएं, इतने रुपयों से गुजारा नहीं होता। ये 1999 है, 1299 नहीं। उसने अपनी कुर्सी को झलाना बंद कर दिया था, मगर खड़ी नहीं हुई थी, ना ही टांग पर रखी हुई टांग को नीचे उतारा था। फारूक होंठ बींचे कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया था। सुंबल, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह क्यों कर रही हो, मैंने फारूक के जाते ही उससे पूछा था। क्या हुआ है अम्मी, मुझे कुछ भी तो नहीं, रुपए बाप से नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी, और मैंने मलीहा और हुज़ैफ़ा से भी कह दिया है कि उन्हें जब भी रुपयों की ज़रूरत हो तो वो पापा के ऑफिस चले जाया करें। उसका इत्मीनान बरकरार था। उसने एक बार फिर किताब खोल ली थी और कुर्सी पर झूलना शुरू कर दिया। मुझे झुरझुरी आने लगी थी। वो आखिर क्या चाहती थी, वो आखिर ये सब क्यों कर रही थी। मैं ट्यूशंस करके उनकी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रही थी, फिर आखिर उसे किस चीज़ के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। मैं बहुत देर तक गौर से उसका चेहरा, जो कि बिल्कुल मुझसे मुशाबा था, देखती रही। रंगत भी मेरी तरह ही थी, मगर हाँ, वो मेरी तरह हर वक्त नज़रें झुकाए नहीं रखती थी। वह हर एक की आंखों में आंखें डालकर बातें करती थी, चाहे वो मैं हूँ या कोई और, चाहे वो गुल अफशा हो या फिर फारूक। उसे कोई झिझक कोई खौफ नहीं था। सांवली रंगत और मामूली शक्ल के बावजूद वो अपने तरीके से ज़िंदा रह रही थी, मेरी तरह दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जी रही थी। मगर कैसे, ये हुनर उसने कैसे सीखा था। मैंने तो उसे कुछ नहीं सिखाया था, मैंने तो उसे अपने जैसी अतायत और फर्मा बर्दारी सिखाने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल था काली औरत सिर्फ इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है, मगर उसने इन दोनों चीज़ों को उठाकर
दूर फेंक दिया था और दूसरों की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। खूबसूरत लोगों की तरह, सफ़ेद रंग वालों की तरह, मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में बेहद खौफजदा हो गई थी। सुंबल की दोस्ती सिर्फ मुगीस और अयास के साथ ही नहीं थी, बल्कि उज़ैर और राफे के साथ भी इतनी ही थी। ना सिर्फ उसकी दोस्ती उन चारों के साथ थी, बल्कि बाज़ दफ़ा वो उन्हें किसी न किसी बात पर झिड़क भी देती थी। और अजीब बात है कि वो बिल्कुल खामोशी से उसकी झिड़कियाँ सुनते हैं। उनमें से कोई भी आगे से कुछ कहने की जुर्रत नहीं करता था, ख़ास तौर पर मुगीस तो उसके आगे पीछे फिरता था। जब सुंबल का मूड ऑफ हो जाता तो वो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, उससे माफ़ी मांगता। अजीब बात है ना कि वो चारों खूबसूरत होने के बावजूद सुंबल से दबते थे, उसकी तवज्जो के तालिब रहते थे, और गुल अफशा की तमाम तर ब्रेन वॉशिंग भी उन्हें सुंबल से बरगिश्ता नहीं कर पाई थी। पहले वो छुप छुप कर ऊपर आया करते थे, मगर उम्र बढ़ने के साथ वो खुले आम ऊपर आते थे और गुल अफशा बेबसी से उन्हें देखती रह जाती थी। सुंबल ना सिर्फ उन्हें उनकी सालगिरह पर तोहफे देती रहती थी, बल्कि दूसरे मौाक़े पर भी उन्हें कुछ ना कुछ देती रहती थी। जवाबन वो भी सुंबल के लिए कुछ ना कुछ खरीदते रहते थे, और बार दफ़ा उनकी कोई चीज़ सुंबल को अच्छी लगती तो वो उसके इनकार के बावजूद उसे देखकर ही दम लेते। अलहदा घर में शिफ्ट होने के बावजूद हफ्ते में 3 बार मुगीस और अयास घर ज़रूर आते, और सुंबल भी हफ्ते में 2-3 बार उनके घर से ज़रूर होकर आती। सुंबल के बीए के पेपर्स होने वाले थे जब उस दिन फारूक हस्बे मामूल माहाना खर्च देने आया था। उसके आने से कुछ देर पहले मुगीस आया हुआ था। मैं फारूक के लिए चाय बनाने चली गई। जब मैं चाय लेकर वापस आई तो सुंबल फारूक से कह रही थी, पापा अब एक कमरे में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, आप यहाँ तो ऐसा करें कि इन किराएदारों को यहाँ से निकाल दें और हम नीचे वाली मंजिल पर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर आप हमें अपने साथ रखें। क्यों मुगीस, एक कमरे में आजकल के महज़ब दौर में 4 लोग रह सकते हैं, उसने बराह रास्त मुगीस से पूछा था। मैं कमरे में दाखिल हो गई। नहीं पापा, ये तो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, आप खुद देखें कि हम तो इतने बड़े घर में रह रहे हैं और ये सब एक कमरे में, आपने खाम खा नीचे वाला पोर्शन किराए पर चढ़ा दिया। मुगीस ने फौरन फारूक से कहा। मैंने चाय का कप फारूक को थमा दिया, जिसके चेहरे पर उलझन नुमाया थी। ठीक है, मैं नीचे वाली मंजिल खाली करवा दूंगा, कुछ धीमी आवाज़ में उसने कुछ देर बाद कहा। और पापा, मुझे कपड़ों के लिए कुछ रुपये चाहिए, मेरी एक दोस्त की शादी आ रही है, मुझे उसे तोहफा भी देना है। सुंबल ने एक और फरमाइश पेश कर दी। फारूक ने कुछ कहे बगैर जेब से 2000 रुपये निकाल कर उसे थमा दिए। मैं हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पहली बार उसने इस तरह मेरे बच्चों में से किसी को उसकी फरमाइश पर कुछ दिया था। फारूक कुछ देर बैठने के बाद मुगीस के साथ चला गया। उसके जाने के बाद सुंबल ने वो रुपये मुझे थमा दिए। मगर ये तुम अपनी किसी दोस्त, उसने मेरी बात काट दी। नहीं, किसी दोस्त की शादी नहीं है, और अगर होती भी तो क्या मैं इस कदर अहमक हूँ कि सिर्फ कपड़े बनाने पर 2000 खर्च कर दो। पापा ने कभी हम लोगों को रुपये नहीं दिए, इन्हें हमें भी इसी तरह जेब खर्च देना चाहिए जैसे वो मुगीस वगैरह को देते हैं, और अगली बार मैं पापा से यही कहूँगी। मैं एक दफ़ा फिर हैरानी से उसे देख कर रह गई थी। मुगीस की उस वक़्त वहाँ मौजूदगी भी अब कोई इत्तफाक नहीं लग रहा था। सुंबल ने उसे फ़ोन करके बुलवाया था, ये कहकर कि उसने उसके लिए कोई ख़ास डिश बनाई है। उसने ख़ास डिश तो बनाई थी, मगर उसके बदले मुगीस को इस्तेमाल किया था। वो जानती थी फारूक हर माह की 1 तारीख को शाम में आता है। मैं सुंबल को समझ नहीं पा रही थी। अगले माह उसने अपने और अपने बहन भाइयों के जेब खर्च की बात की थी। इस बार मुगीस के साथ साथ अयाज भी था। फारूक ने खामोशी से ये बात भी मान ली थी। 2 माह के बाद नीचे वाली मंजिल खाली हो गई थी और हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए थे। पहली बार वो घर से ही मानों में मुझे अपना लगा था। पहली बार मुझे यूं लगा था कि मैं इस घर की मालकन हूँ। पहली बार हर चीज़ पर मेरा इख्तियार था। मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना बंद कर दी थी, क्योंकि सुंबल का ख्याल था अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने गुल अफशा और फारूक के कमरे को मुगीस और अयास के लिए महसूस कर दिया था कि अगर कभी वो वहाँ रुकें तो इस कमरे में ठहरें। जवाबन मुगीस ने अपने घर का एक कमरा सुंबल के लिए महसूस कर दिया था, और फिर सुंबल वक्तन फोक्तन उनके घर जाती और 1-2 दिन के लिए ठहर भी जाती। बीए में भी उसने कॉलेज में टॉप किया था और फिर एमए इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया था। मलिहा और हुज़ैफ़ा भी तालीम में उसी की तरह बहुत काबिल थे। सुंबल की तरह मुझे उन्हें भी कभी नहीं कहना पड़ा कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें या अपना वक्त ज़ाया ना करें। तब एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। मेरे बड़े भाई ने अपने बेटे सिकंदर के लिए सुंबल का रिश्ता मांगा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया था। सिकंदर बहुत खूबसूरत था,
इंजीनियर था और सबसे बढ़कर ये कि उसकी रंगत सफ़ेद थी। और सुंबल, सुंबल तो मैंने सोचा शायद एक बार फिर मेरी कहानी दोहराई जाएगी। एक बार फिर मेरे भाई ने मुझ पर तरस खाते हुए मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है। और सिकंदर, सिकंदर यकीनन बेखबर होगा। सिकंदर पिछले 2 साल से कह रहा था कि हम उसके लिए सुंबल का रिश्ता मांगे, मगर मैं चाहता था कि सुंबल आराम से बीए कर ले और सिकंदर भी अपनी जॉब में थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए, फिर मैं यह रिश्ते की बात करूं। अब तो खैर से सिकंदर की तरक्की भी हो गई है और सुंबल का बीए भी मुकम्मल होने वाला है, इसलिए बेहतर है दोनों की मंगनी कर दी जाए, 1 साल बाद शादी कर देंगे। मुझे अपने भाई की बात पर यकीन नहीं आया था। सिकंदर ने खुद रिश्ता मांगा है, भला ये कैसे हो सकता है? सिकंदर क्यों एक सांवली और मामूली शक्ल की लड़की से शादी करेगा? मैंने सोचा और भाई को वजह बताए बगैर इनकार कर दिया। वो हक्का बक्का रह गए थे, शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इनकार कर सकती हूँ। वो बहुत देर मुझे समझाने की कोशिश करते रहे थे, मगर मैंने हाँ नहीं की। आप हैरान हो रहे हैं ना कि मैं अपनी ज़िद पर ऐसे अड़ सकती थी, और मैं ज़िद कर ही कैसे सकती थी? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने सब कुछ कैसे किया था, मगर बस मैंने भाई की बात नहीं मानी थी। वो मायूस होकर चले गए। मैंने सुंबल को बता दिया कि मैंने सिकंदर का रिश्ता ठुकरा दिया है। उसने किसी रद्दी अमल का इजहार नहीं किया, सिर्फ खामोश रही। अगले दिन सिकंदर खुद हमारे घर आया था। उसकी आमद कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं थी, वो अक्सर हमारे घर आया था और काफ़ी देर बैठा सुंबल से बातें करता रहता था। मुझे उसकी आमद पर कभी इसलिए एतराज़ नहीं हुआ था क्योंकि वो मेरे सामने ही मुख्तलिफ मामलात पर सुंबल से बहस करता रहता था और वो बहुत संजीदा और समझदार था। बाज़ दफ़ा जब किसी बात पर सुंबल से उसका ज़्यादा ही इख्तलाफ हो जाता तो वो खामोशी मगर नाराज़गी से उठकर चला जाता। मुझे तकलीफ़ होती क्योंकि आखिर वो मेरा भतीजा था। मैं सुंबल को समझाती तो वो कंधे उचका कर कहती, हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र होता है, मेरा भी है। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं उसके सिकंदर की हाँ में हाँ मिलाती जाऊँ क्योंकि वह हमारे घर मेहमान आया है, या आपका भतीजा है, या फिर इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत और सफ़ेद रंग का मालिक है। मैं उसके आखिरी जुमले पर हमेशा चौंक जाती। वो मेरे ही चेहरे पर नज़रें जमाए बहुत गहरी आंखों से मुझे देख रही होती। मुझे लगता जैसे वो मेरा जहन पढ़ लेती हैं, पर ना ये बात। वैसे भी अम्मी, उसे कौन कहता है यहाँ आकर मुझसे हालात हाजरा और इकनॉमिक अफेयर्स पर बहस करे? और फिर अगर आप में दूसरों की बात सुनने का हौसला नहीं है तो बहस करनी ही नहीं चाहिए, मगर उसे बहस का शौक है तो फिर ठीक है। मैं तो अपनी ही बात कहूँगी, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। वो बड़ी लापरवाही से मेरे चेहरे से कुछ देर बाद नज़रें हटाकर कहती और फिर किसी काम में मशगूल हो जाती। सिकंदर का गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म हो जाता था। 2-4 दिन के बाद वो फिर हमारे घर मौजूद होता और एक बार फिर नए सिरे से बहस कर रहा होता, मगर रिश्ता भेजने के बाद वो सुंबल से किसी बहस के लिए नहीं आया था, बल्कि मुझसे पूछने आया था कि मैंने इनकार क्यों किया है। मैं उसे कोई वजह नहीं बता सकी मगर अपने इनकार पर जमी रही। वो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर वापस गया। फिर वो अक्सर इसी बात के लिए मेरे पास आता रहा। अब वो पहले की तरह सुंबल से बात नहीं करता था बल्कि आकर सीधा मेरे पास बैठ जाता था। मैं खामोशी से उसकी बातें दलीलें सुनती रहती मगर अपना फ़ैसला ना बदलती। उस दिन उसके जाने के बाद सुंबल मेरे पास आई, अम्मी आप अब इस किस्से को ख़त्म कर दें, या तो इस रिश्ते को कबूल कर लें या फिर उसे मना कर दें कि वो यहाँ मत आए। मुझे इस तरह एक फजूल चीज़ में रोज़ रोज़ अपने आप को घसीटना अच्छा नहीं लगता। मैं खामोशी से उसे देखने लगी, वो खासी बेजार लग रही थी। वैसे आप उसको इनकार की कोई मुनासिब वजह क्यों नहीं बता देती? उसने मुझसे कहा था। वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मैंने कहा। क्यों? मैंने उसके सवाल पर नज़रें चुरा ली। ठीक है, फिर आप उससे कह दें कि इस मामले पर दोबारा कभी आपसे बात ना करे। और हाँ अम्मी, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ। वो मेरे कमरे से जाते जाते मुड़कर दरवाजे में रुक गई। हर सफ़ेद शख्स फारूक हसन नहीं होता। आप जिस बात से खौफजदा होकर इस रिश्ते से इनकार कर रही हैं वो मेरे लिए बिल्कुल बेमानी है। मुझे ज़िंदगी गुजारना आता है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना भी जानती हूँ। मेरे साथ कोई फारूक हसन जैसा सलूक नहीं कर सकता। वो बड़े सुकून से कमरे से निकल गई थी। लोग कहते हैं माँ औलाद के दिलों का हाल जान लेती है, मगर मेरे साथ इसके बरक्स हुआ था। वो मेरे दिल की हर कैफियत, हर खौफ, हर सवाल को जानती थी, और पता नहीं ऐसा कब से था। मैंने फारूक को बुलवाया था,
मैं सिकंदर के रिश्ते के लिए हाँ करने से पहले उससे बात करना चाहती थी, मगर वो मेरी बात सुनते ही भड़क उठा। तुम होती कौन हो उसकी शादी के बारे में फैसला करने वाली? काम मक्कल औरत, क्या मैं मर गया हूँ जो मेरे होते हुए तुम खुद उसकी शादी के बारे में फैसले करने लगी हो? उसने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया, मगर मैंने कुछ कहना चाहा, मगर उसने मेरी बात काट दी। मैं मुबीन के बेटे के साथ तो उसकी शादी कभी नहीं करूँगा। मैं अभी तक वो हंगामा और तमाशा भूला नहीं हूँ जो उसने मेरी दूसरी शादी पर खड़ा किया था। और वैसे भी सुंबल के बारे में फायजा बाजी एक साल पहले ही मुझसे बात कर चुकी हैं। मैं उन्हें हाँ कर चुका हूँ, वो अपना MA मुकम्मल कर ले, फिर मैं वहाँ उसकी शादी कर दूंगा। फारूक ने अपनी बड़ी बहन का नाम लेते हुए कहा। फायजा का बेटा सुफियान किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सिकंदर की तरह वो भी बहुत खूबसूरत था, मगर मैं उसके मिजाज के बारे में नहीं जानती थी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम था। मैं खामोशी से फारूक का चेहरा देखने लगी। आज भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी मुखालफत कर सकूं, उसके फैसलों के खिलाफ चल सकूं। तुम सुंबल को सुफियान के बारे में बता देना, हो सकता है अगले ही हफ्ते बाजी मंगनी कर जाएं। और एक बात मैं वाजिया कर दूं, मलीहा और हुज़ैफ़ा के बारे में भी तुम कोई फैसला नहीं करोगी, मैं जहां चाहूंगा उनकी शादी करूंगा। उसने तेज़ आवाज़ में कहा। क्यों पापा, अम्मी कोई फैसला क्यों नहीं कर सकती? और आपको क्या हक है कि आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी के बारे में कुछ तय करें? वो पता नहीं कब लाउंज में आ गई थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ भी तय कर सकता हूँ। औलाद की ज़िंदगी के फैसले करते हुए सिर्फ बाप होना काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो धीमे और खुश्क लहजे में बोली थी। औलाद के लिए फैसले बाप ही करता है। माँ क्यों नहीं कर सकती? क्या आप कल मुगैस और दूसरे बेटों की शादी के लिए लड़की के इंतखाब का इख्तियार अपनी बीवी दूसरी बीवी को नहीं देंगे? हाँ दूंगा, मगर तुम्हारी माँ फैसला करने की अहलियत नहीं रखती। इसके पास ना शक्ल है ना अकल, ये हर लिहाज से बहुत मामूली है। मुझे लगा था उसने मेरी बेटी के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। मेरे सामने दोबारा ये लफ्ज़ मामूली कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो खुद मामूली होता है वही दूसरों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मुझसे पूछें, आप इस औरत के मुकाबले में मुझे कितने छोटे, मामूली और आम लगते हैं। मेरी माँ के पास ना शक्ल है ना अकल, आपके पास तो थी ना। अपनी सारी डिग्रियों और एजाजात को अपने ऑफिस की 10 मंजिला इमारत के बाहर रखकर जला दें और लोगों को बताएं कि आपने पिछले 23 साल में अपने जहन को सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को टॉर्चर करने के तरीके ढूंढने में इस्तेमाल किया है। उसकी आवाज़ बेहद तेज़ और चेहरा सुरख था। फारूक का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और मैं सकते के आलम में थी। आपको ये औरत बदसूरत लगती है, काली लगती है, बेअकल लगती है। मुझसे पूछें, मुझे ये औरत क्या लगती है? वो बात करते करते मेरे पास आ गई थी। फिर बहुत अचानक उसने मेरे गले में अपने बाजू डाले और बहुत नरमी से मेरा चेहरा चूम लिया। मेरा सांस रुक गया। मैंने फारूक को देखा। क्या आप यकीन करेंगे, ज़िंदगी में पहली बार मैंने उसका चेहरा स्याह होते हुए देखा। पहली दफ़ा मैंने उसकी आंखों में तारीकी देखी। पहली दफ़ा मैंने उसके वजूद को कपकपाते देखा। मैं आपको बताऊं, इस औरत के सामने आप तो मुझे नज़र ही नहीं आते। आपको पता है, आप जिस वक़्त इस औरत के सामने आते हैं तो आपकी हैसियत और जिसामत एक चूंटी जितनी भी नहीं रह जाती। मेरे दिल में आपके लिए कितनी नफ़रत, कितना जहर है, ये आप नहीं जानते। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा बाप क्या है। आपके बारे में मुझसे वाबस्ता लोग नाम के अलावा कुछ नहीं जानते, एक जुमला तक नहीं। आपने 22 साल की ज़िंदगी में मुझ पर इतना असर भी नहीं छोड़ा कि मैं आपके लिए कोई अच्छा सा एक जुमला भी कह सकूं। मेरी माँ के बारे में कहा जाने वाला हर बुरा लफ्ज़ आपको मेरे सामने दलदल में उतारता गया, और अब तो आपका पूरा वजूद इस दलदल में छुप गया है। सिर्फ आँखें बची हैं, सिर्फ आँखें। वो बोलती जा रही थी, कहती जा रही थी। हुज़ैफ़ा और मलीहा भी लाउंज में आ गए थे, मगर बेतासुर चेहरों के साथ वो खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। फारूक यकदम चलते हुए उसके पास आया और तेज़ी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा। उसने दोनों हाथों से बाप का हाथ पकड़ लिया। मलीहा और हुज़ैफ़ा भागते हुए फारूक के पास खड़े हो गए। आपने हमसे बाप वाली मोहब्बत नहीं की, आपको मानने का हक भी नहीं है। मैं मोमिना नहीं हूँ, गुल अफशा हूँ, किसी से थप्पड़ नहीं खाऊंगी, उसने फारूक के हाथ पकड़े हुए कहा और फिर एक झटके से हाथ नीचे गिरा दिए और पीछे हट गई। मैंने क्या नहीं दिया,
तुम्हें संभल क्या नहीं दिया। फारूक की आवाज़ किसी खाई से आती लग रही थी। आपने मेरी माँ को क्या दिया, मुझ पर एहसान ना गिनवाए। फारूक होंठ बीचे चुप खड़ा रहा था। नहीं पापा, आप कुछ नहीं कह सकते। आपने 23 साल इस औरत की इतनी तजलील की है कि अब आपको बोलना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ना आपकी इज्जत, इसलिए मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी तय करने की कोशिश ना करें। यह हक मेरी माँ का है और यह फैसला वही करेगी। उसने जैसे बात ख़त्म कर दी थी, फारूक भी एतबारी के आलम में उसे देखता रहा था। फिर उसने मुझे देखा था और फिर वो झुके हुए कंधों के साथ लाउंज से निकल गया था। मगर जाने से पहले मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा था और उस चीज़ ने मेरे असाब को सुन कर दिया था। मैंने 23 साल में पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे। खूबसूरत शख्स को रोते देखना कितना अजीब होता है ना, और मैंने ये मंज़र भी आज देख लिया था। और आपको पता है वो क्यों रो रहा था? शायद आप सोच रहे होंगे कि वो आंसू पछतावे के थे। शायद आप सोच रहे होंगे वो आंसू तजलील के थे। शायद आप सोच रहे होंगे वो आंसू दुख के थे। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वो आंसू सुंबल को खोने के थे। वो आंसू सिर्फ इसलिए उमड़े थे कि सुंबल ने मोमिना को फारूक पर तरजीह दी थी। हाँ, मैं जानती हूँ फारूक हम में से किसी को ना सही, मगर सुंबल को ज़रूर चाहता था, उसी काली और मामूली शक्ल की सुंबल को। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सुंबल ने एक खूबसूरत और सफ़ेद बाप के बजाय एक काली और बदसूरत माँ का इंतखाब क्यों किया। उसने उसकी बात मानने से क्यों इनकार कर दिया? आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मामूली और सांवली रंगत वाला शख्स किसी खूबसूरत और सफ़ेद रंगत वाले की बात मानने के बजाय किसी बदसूरत और काली रंगत वाले की बात माने? अजीब बात है ना। और आज ऐसा ही हुआ था। और अब मैं इस दीवार के साथ खड़ी सोच रही हूँ कि चंद मिनटों पहले आखिर ये हुआ क्या है। और मेरा दिल चाह रहा है मैं सुंबल से पूछूं कि क्या मैंने ज़िंदगी के 23 साल सही गुजारे हैं या गलत। मगर मैं जानती हूँ वो कहेगी, अम्मी आपने ज़िंदगी को बहुत गलत तरीके से गुजारा है। काला या आम शक्ल का होना कोई ऐसा जुर्म या गुनाह नहीं है कि इंसान अपने सारे हकूक़ से दस्तबरदार होकर खूबसूरत लोगों की ग़ुलामी करने लगे। मैं जानती हूँ वो कहेगी, काला रंग इतना बड़ा ऐब नहीं होता कि इंसान अपने वजूद को छुपाने लगे। ये इतनी बुरी चीज़ नहीं होती कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को रंग के इर्द गिर्द ही गर्दिश देते रहें। और फिर वो कहेगी, आपका वजूद था, आपने इसको मनवाया क्यों नहीं जैसे मैंने मनवाया? आपके हकूक़ थे, आपने वो लिए क्यों नहीं जैसे मैंने लिए? आपने ज़िंदगी की रेस सफ़ेद और ख़ूबसूरत रंगत वालों के लिए सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपकी रंगत काली थी। मैं जानती हूँ सुंबल को ज़िंदगी में मेरी तरह घुटनों के बाल घिसटना नहीं आता। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मेरी जगह वो होती तो फारूक हसन भी वो सलूक उसके साथ नहीं कर सकता था जो उसने मेरे साथ किया, काली और आम सी शक्ल होने के बावजूद भी। मगर मुझे ये सारे इदराक, ये सारे कशफ 15 मिनट पहले ही तो हुए हैं। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, गुजरे हुए 23 साल का सोग मनाऊं या आने वाले सालों का जश्न, या फिर घुटनों के बल गिरकर खुदा का शुक्र अदा करूं कि उसने दुनिया में किसी एक इंसान के लिए तो मेरा वजूद, मेरी ज़ात गलाफ़े काबा जैसा बनाया, स्याह और मुकद्दस, और वो इंसान सुंबल है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप तो बता सकते हैं।